And this is another question of exercise 5.1, question number 7 of NCERT class 7, chapter 5, lines and angles. Can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse or right? तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एक्यूट. द क्वेश्चन इज, क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों ही एंगल्स एक्यूट हो? तो पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पे अगर दोनों ही एंगल्स एक्यूट हो, व्हाट आर एक्यूट एंगल्स? एक्यूट एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं. 45, 30, 35, 80, 85, 89, ये सब एक्यूट एंगल हैं. तो अगर दो हम एक्यूट एंगल को ले लें तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे? लेट सपोज दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू. ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है. तो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री मिलके क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री. तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री और 120 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री. इसी तरीके से अगर हम दो एक्यूट एंगल ले लें, लेट सपोज जस्ट 90 डिग्री से जस्ट एक डिग्री कम ले लेते, 89 डिग्री. ये दोनों एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से कम है, तो कितना आएगा? 178 डिग्री. तो ये सप्लीमेंट्री नहीं बना रहे. क्यों? क्योंकि इनका सम आ रहा है 178 और आना चाहिए 180. इट मीन्स कि दो एक्यूट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री नहीं फॉर्म कर सकते. नाउ द सेकंड इज ऑब्ट्यूज. तो इसका आंसर है फर्स्ट का नो. नाउ द सेकंड इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से लेस होते हैं. दे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. तो जितने भी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल्स हैं, 91, 100, 102, 130, 140, 170, ये सारे, या 179, दीज आर ऑल ऑब्ट्यूज एंगल. तो अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते हैं, लेट सपोज जस्ट 90 से बड़ा ले लेते हैं 91, एक और ले लेते हैं 92, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 3 एंड 9 आर 9, 183 डिग्री. तो अब भी ये 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, तो अभी भी ये सप्लीमेंट्री नहीं है. तो दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलकर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होते हैं. तो इसका भी आंसर होगा नो. आंसर इज नो. नाउ द थर्ड वन, राइट. क्या दो राइट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री बन सकते हैं? तो राइट एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यस, दे एड अप टू 180 डिग्री. तो कोई भी दो राइट एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, इट मींस ये सप्लीमेंट्री है. तो दो राइट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.